बारिश के मौसम में पकोड़े खाना किसको पसंद नहीं होता है। अगर पकोड़े टेस्टी और क्रिस्पी हो तो खाने में और भी मजा आता है। आज मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए टेस्टी पकोड़े की रेसिपी। यह है ब्रेड से बने ब्रेड रोल की रेसिपी। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ब्रेड रोल की स्टफिंग किस तरीके से की जाती है और इसको किस तरीके से क्रिस्पी फ्राई किया जाता है, इसको फ्राई करते समय तेल ज़्यादा क्यों नहीं पीता है। इस तरीके की सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टी ब्रेड रोल की रेसिपी। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमिलाज किचन जोन। 7 से 8 नग ब्रेड रोल की रेसिपी बनाने के लिए हमको चाहिए आलू। यहाँ पे मैंने बड़ी साइज के 3 आलू का इस्तेमाल किया है और इसको कुकर में 2 विसल आने तक बॉईल कर लिया है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आलू को ओवर कुक ना होने दें। अगर 3 से 4 आलू को आपको कुकर में बॉईल करना हो, 4 आलू के लिए आधा ग्लास कुकर में पानी डालकर मीडियम फ्लेम पे 2 विसल आने तक इसको बॉईल करें और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। जब प्रेशर कुकर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आलू को ठंडे पानी में डाल दें और तुरंत ही इसका छिलका निकाल कर आलू को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। आलू जब ठंडा होगा तो आलू स्टिकी नहीं होगा और जब आलू स्टिकी नहीं होगा तो ये बहुत ही जल्दी ग्रेट भी हो जाएगा और हथेली पे चिपकेगा नहीं। बस इतनी सी बात ही आपको ध्यान रखनी है। अब ग्रेटर की मदद से इस तरीके से आलू को ग्रेट कर लें। जब सारे आलू इस तरीके से ग्रेट हो जाएं, तो आलू को थोड़ा सा कलर देने के लिए हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब स्वाद के अनुसार नमक, 2 चुटकी हींग, इसके अलावा मसाले में टेस्ट लाने के लिए 1/2 चम्मच खड़ा सौंफ या सौंफ का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टफिंग के लिए जो हम स्पाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने इस्तेमाल किया बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। आप चाहें तो वेजिटेबल्स को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है बारीक कटा हुआ चुकंदर, अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं 1/2 चम्मच नींबू का जूस इसमें ऐड कर दूंगी। आप अपनी फैमिली के लिए कोई स्नैक्स तैयार कर रहे हो तो आप हेल्थी इंग्रेडिएंट का जरूर इस्तेमाल करें। आप इसमें बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, मूली, बीन्स, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एक हेल्दी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए। अब देखिए इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर दें। यहाँ तक की तैयारी करने के बाद अब बारी आती है इसको शेप देने की। आलू को शेप देने के लिए या तो आप सर्कल में इसके बॉल्स तैयार करें या फिर सिलेंडर शेप भी आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को सिलेंडर शेप दिया है और ध्यान रहे कि आलू की स्टफिंग के लिए स्टफिंग ब्रेड से ज़्यादा बड़ी ना हो। अगर आपके पास छोटी स्लाइस वाले ब्रेड हों तो नींबू की साइज नापते हुए उसकी साइज से थोड़ा कम साइज की बॉल तैयार करें। अगर ब्रेड की स्लाइस बड़ी हो तो आप सिलेंडर शेप भी इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दूसरा स्टेप फॉलो करना है। बस इस तरीके से सारी शेप को तैयार करके आप प्लेट में रखें। अब बारी आती है ब्रेड को तैयार करने की, तो हमको एक स्टफिंग के लिए 1 ब्रेड का इस्तेमाल करना है। काउंटिंग करके इस तरीके से सारी ब्रेड को ले लें। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसके एजेस को कट कर लें। इसके एजेस कट करने से ये होगा, ब्रेड की स्टफिंग करते समय ब्रेड के एजेस का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, एजेस थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए स्टफिंग करते टाइम ब्रेड अलग अलग से निकलने लग जाता है, इसलिए इसकी स्टफिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब इस तरीके से सारे ब्रेड के एजेस को कट करके तैयार कर लें। देखिए सारे ब्रेड के स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं। अब एक गहरे मुंह वाली प्लेट में
लगभग एक गिलास नॉर्मल पानी इसमें डाल दें। अब एक ब्रेड की स्लाइस लें और उलट पलट के पानी में इसको डिप करें। अब भीगी हुई ब्रेड की स्लाइस को हथेली की सहायता से प्रेस करें। अब हल्के हाथों से प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दें। इसके बाद आलू की स्टफिंग लें और उसके बाद ब्रेड की स्लाइस की चारों साइड को स्टफिंग के ऊपर लाते हुए इस तरीके से इसको प्रेस कर दें। अब इस तरीके से प्रेस करते हुए एक्सेस वाटर को निकाल दें और इसको मनचाहा शेप दे दें। एक आलू की स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब इसको प्लेट में रखें। यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि जब भी आपको इसकी स्टफिंग करना हो तो हवादार जगह पे या फिर पंखे के नीचे करें। इसकी स्टफिंग करते हुए इसका सूखना बहुत जरूरी है ताकि ब्रेड में से एक्सेस वाटर निकल जाए। ऐसा करने से ये होगा, रोल को फ्राई करते समय ये पैन में नहीं चिपकेगा। बस इस तरीके से पूरे रोल बनाकर आपको तैयार कर लेने हैं। एक बार फिर से आप ब्रेड की स्टफिंग को देख लें। अब देखिए सारे रोल बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं और ये हल्के से ड्राई भी हो चुके हैं। अब बारी आती है पांचवें रूल को फॉलो करने की, इसको फ्राई करने की। जब रोल ड्राई रहेगा तो इसको फ्राई करते समय ये बहुत ही कम तेल को अब्सॉर्ब करेगा। रोल को फ्राई करने के लिए बस हमको इतना सा ध्यान देना है। कढ़ाई या पैन में अगर रोल को आपको तलना हो, रोल डीप फ्राई करते हुए डूब जाए, इतना आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है। और रोल को फ्राई करने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल की जगह अगर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरसों के तेल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस इतनी सी बात और आपको याद रखनी है। रोल को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को पूरी तरीके से गर्म होने दें और एक बैच में जितने रोल आ सके उतने ही रोल आपको डीप फ्राई करने के लिए डालना है। रोल को पैन में डालने के बाद जब रोल एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही आपको इसको पलटना है। जब तक एक साइड से फ्राई नहीं हो जाता तब तक इसको पलटने के लिए ट्राई ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें जब रोल कढ़ाई का तला छूटने लग जाए तब इसको उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब देखिए रोल तो एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक टिश्यू पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए और उसके बाद चलते हैं रोल को प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। आप इस ब्रेड रोल को मनपसंद चटनी या केचप के साथ में सर्व करें और बरसात के दिनों में या जब भी आपका पकोड़े खाने का मन हो सिंपल तरीके का ब्रेड रोल बनाकर सर्व करें। ये ब्रेड रोल बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप लोगों को मेरी ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।